आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर हैंडलिंग। ये हम विजुअल बेसिक 6 में पढ़ने जा रहे हैं एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा भी था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री होना चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो अगर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एरर ना हो या एरर कम से कम हो, तो मुझे एरर हैंडलिंग के कोड्स उसमें ऐड करने होंगे। और एरर हैंडलिंग कोड्स को हमको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एरर को समझना होगा। हमने कल देखा था कि एरर जो है वो तीन टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो ये एरर जो है वो तीन टाइप के होते हैं। कंपाइल टाइम एरर को कभी कभी सिंटेक्स एरर भी कहा जाता है। एग्जाम में सिंटेक्स एरर आने पर आप कंपाइल टाइम एरर के बारे में लिख सकते हैं। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में एक्सेप्शन आता है तो समझ जाइए कि आपको रन टाइम एरर के बारे में लिखना है। तो अब हमने यहाँ तक कल लास्ट क्लास में देख लिया था कि एरर जो है तीन टाइप के होते हैं, तीनों की क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन सा एरर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और तीनों एरर कब किस समय पर आते हैं। आज हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिबगिंग। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एरर से ही रिलेटेड है। आप हमेशा विजुअल बेसिक में डिबग ऑप्शन देखते होंगे। जब भी एरर आता होगा तो डिबग नाम का एक बटन आता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो डिबगिंग आज का टॉपिक है और ये एरर हैंडलिंग के अंदर आता है। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो आप उसको डिबग करके या डिबगिंग करके एरर को ढूंढ सकते हैं। तो डिबगिंग के नाम से क्वेश्चन भी आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं डिबगिंग होती क्या है। डिबगिंग की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि डिबगिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी एरर को ढूंढ के रिमूव किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है और आपको उसको ढूंढना है और रिमूव करना है, तो जो प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे उस प्रोसीजर को डिबगिंग बोलते हैं। बग मतलब होता है एरर, डिबग मतलब एरर को दूर कर एरर को हटाना, और डिबगिंग मतलब एरर को हटाने का प्रोसेस। क्लियर है? तो विजुअल बेसिक का जो आईडीई है उसमें डिबगिंग के लिए, डिबग करने के लिए एक टूल बार दी हुई है जिसकी हेल्प से आप आसानी से किसी एरर को ढूंढ सकते हो और उससे रिमूव कर सकते हैं आप। कल डाउट सेशन में प्रियंका ने क्वेश्चन पूछा था कि लॉजिकल एरर अगर हमें पता चल जाता है तो उसको दूर कैसे करेंगे। ये उसका आंसर है, हम उसको डिबग करेंगे और डिबगिंग टूल बार का यूज़ करके हम उस एरर को ढूंढेंगे और हटाएंगे। क्लियर है? लॉजिकल एरर्स या रन टाइम एरर को हम डिबग करके ढूंढते हैं और उसे हटाते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि कुछ लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर्स आते हैं तो उस समय डिबग ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिबग टूल बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो आप देखेंगे डिबग टूल बार के अंदर ये बेसिक ये चार आपको कंपोनेंट मिलेंगे, वॉच विंडो, लोकल्स विंडो, इमीडिएट विंडो और कॉल स्टैक। अब ये चारों आईडी के भी पार्ट हैं। आप फर्स्ट यूनिट में आईडी पढ़े होंगे। मैं आप विजुअल बेसिक में दिखाता हूँ। आईडी में आपने पढ़ा कि आईडी के जो कंपोनेंट हैं वो टूल बॉक्स था, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो था, ये सब कंपोनेंट्स पड़े थे। साथ ही साथ आप इसमें व्यू में जाएंगे तो आपको मिलेगा टूल बार ऑप्शन, और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है डिबग। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक डिबग टूल बार मिलेगी। ये डिबग टूल बार के अंदर आपको यहाँ पर चार उसके कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। पहले कंपोनेंट में आप जाएंगे तो दिखेगा लोकल्स विंडो, दूसरा है इमीडिएट विंडो, तीसरा है वॉच विंडो और चौथा है कॉल स्टैक। जब ये कोड विंडो में जाएंगे तब दिखेगा। अब मैं लोकल्स विंडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लोकल्स विंडो आपको डिस्प्ले हो रही है। ये लोकल्स विंडो है, ठीक है? इसमें तीन कॉलम होते हैं, एक्सप्रेशन, वैल्यू और टाइप। वैसे ही मैं सेकेंड में क्लिक करूँगा तो आपको इमिडिएट विंडो डिस्प्ले होगी। ये देखिए, ये इमिडिएट विंडो है। ये सभी विंडो का काम होता है डिबग करना, एरर को ढूंढना, ठीक है? अगला जो विंडो मैं दिखा रहा हूँ ये है वॉच विंडो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने तीन विंडो है। पहली विंडो जो है वो है आपकी वॉच विंडो। ये वॉच विंडो है, इसमें चार कॉलम होते हैं, एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप और कंटेक्स्ट।
और लोकल्स विंडो में तीन कॉलम होते हैं, एक्सप्रेशन, वैल्यू और टाइप। कंटेक्स्ट जो है वो इसमें नहीं होता है लोकल्स में। और इमीडिएट विंडो ब्लैंक होती है, इमीडिएट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। चौथा जो कॉल स्टैक है वो हम थोड़ी देर के बाद कोड में देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो डिबग टूल बार आप देख रहे हैं, ये डिबग टूल बार विजुअल बेसिक के IDE का एक पार्ट है जो दिया गया है डिबग करने के लिए। यानी आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप डिबग करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोग्राम में किस टाइप का एरर है या क्यों आ रहा है और उसको कैसे दूर किया जाएगा। तो एग्जांपल हम यहाँ पर एक ठोक देखते हैं कि हम कैसे एक एरर को दूर करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी एरर को। उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। दो टेक्स्ट बॉक्स में मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का जो प्रोग्राम है हम देखते हैं कि उसमें कैसे हम अपना एरर ढूंढ सकते हैं। तो पहले में हम लिखेंगे ए, पहले में लिखे ए, दूसरे लेवल में लिखा हमने बी, तीसरे में लिखा सी। पहले टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिए, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिए और तीसरे को भी ब्लैंक कर दिए। अब ए में अगर कोई वैल्यू दी जाती है, बी में कोई वैल्यू दी जाती है और उसका कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करने थे, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एरर जानबूझ के जनरेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखा डिम ए एस इंटीजर। मुझे यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना था बट मैंने गलती से या जानबूझ के भी एरर जनरेट करना है इसलिए मैंने इंटीजर लिख दिया है। ए की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट वन से आएगी, बी की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट टू से आएगी और सी की जो वैल्यू होगी ना ए इंटू बी होगी और ये टेक्स्ट थ्री में जा रही है। सी की वैल्यू हम कहाँ पर सेंड कर दिए हैं, टेक्स्ट थ्री में। सिंपल सा कोड है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मैं इस कोड को अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आउट इनपुट में देता हूँ 2.5 और यहाँ पर दिया 2, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए? सॉरी, यहाँ पर लिखना 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट कितना आना चाहिए था, 5, जबकि आया कितना, 4। यहाँ पर एक लॉजिकल एरर है। ढाई को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे या ढाई प्लस ढाई करेंगे तो आउटपुट 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आउटपुट क्या आया, 4। 4 इसलिए आया क्योंकि प्रोग्रामर ने यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो इंटीजर ले लिया है, उसे लेना था डबल। इंटीजर लेने की वजह से यहाँ पर जो 2.5 है इस 0.5 को कंसिडर नहीं किया गया, सिर्फ 2 को लिया गया और 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया गया, आउटपुट 4 आया है। तो यहाँ पर जो आउटपुट गलत आ रहा है इसका रीज़न ये है कि जो प्रोग्रामर है उसने यहाँ पर डेटा टाइप गलत लिया था। अगर वो यहाँ पर डबल लेता तो भी कुछ तरीके से आउटपुट गलत आ सकता था। अगर अभी भी देखेंगे यहाँ पर कुछ गलत आउटपुट आएगा। अभी फिलहाल ढाई को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आउटपुट आ गया, लेकिन अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आउटपुट 5 आ रहा है। अब मैं इसे फिर से रन करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं ढाई 2.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2.3 से, तो निश्चित सी बात है इसकी वैल्यू 5 पॉइंट कुछ आएगी, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है। अभी भी जो आउटपुट है वो गलत है क्योंकि इन तीनों का जो डेटा टाइप है वो डबल होना है। तो एक छोटा सा डेटा टाइप हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से वैल्यूज़ में चेंजेस आ जाती हैं और वो वैल्यूज़ अगर धीरे धीरे बड़ी होती जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो एकदम एग्जैक्ट है और करेक्ट आउटपुट है, लेकिन ये
जो गलती है वो हमें पहले से पता थी कि यहाँ पर डेटा टाइप गलत लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता नहीं होता कि डेटा टाइप गलत लिया गया है और ये एरर क्यों आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है डीबग टूल बार से, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग फिर वापस यहाँ पर सभी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर कर देते हैं। हम यूज़ करेंगे वॉच विंडो का, पहली एक एक विंडो का यूज़ करना सीखते हैं। वॉच विंडो के थ्रू हम इस एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा टास्क है। तो वॉच विंडो का काम जो होता है, वेरिएबल को वॉच करता है। सारे वेरिएबल्स, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, इनको वॉच कर सकते हैं हम, इसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड वॉच, यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दे देंगे ए। तो वो वेरिएबल ना जो ए है उसके ऊपर निगरानी रखेगा कि उसमें वैल्यूज़ किस तरीके से चेंज हो रही है। और अगर पूरी तरीके से वॉच करना है तो मैं तीनों वॉच को ऐड कर लेता हूँ, तीनों वेरिएबल को। तो दूसरा वेरिएबल ऐड करने के लिए फिर वॉच विंडो पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड वॉच विंडो आएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम लोग दे देंगे बी। फिर से राइट क्लिक करेंगे, ऐड वॉच सी। तीनों ही जो हमारे वेरिएबल थे उनको हमने वॉच विंडो में ऐड कर दिया है। अब वॉच विंडो उन तीनों वेरिएबल का पे निगरानी रखेगा एग्जीक्यूशन के दौरान। लेकिन अभी भी मैं प्रोजेक्ट को या अपने प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो वॉच विंडो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? अगर मैं अभी भी फिलहाल रन करा रहा हूँ और आप वॉच विंडो यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि ये इसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी तेज होता है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। आप जब यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पर वॉच विंडो में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट है। तो अगर आप इसका एग्जीक्यूशन धीरे धीरे देखना चाहते हैं तो आपको अपने कोड पर ब्रेक पॉइंट लगाना होगा। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। कोड विंडो में जाएंगे, जिस लाइन पर आपको लग रहा है कि इस लाइन के बाद कुछ डाउट है कि यहाँ के बाद ही एरर आ रहा है, तो उस लाइन पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। प्रोग्राम जो है इस लाइन के बाद धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, स्पीड जो है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं वैल्यू दिया 2.5 और यहाँ पर दिया 2, इसका आउटपुट आना चाहिए था 5 बट 4 आ रहा था। क्यों 4 आ रहा है देखते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर आके रुक गया है और अभी आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट नहीं जनरेट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया है, या बोला जाए कि समय को रोक दिया गया है। और आप मेमोरी में की निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर वॉच विंडो आपको बता रहा है कि जो आपका एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल ए है, अभी फ़िलहाल उसकी वैल्यू 0 है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। बी की वैल्यू भी 0 है, इंटीजर है, और सी की वैल्यू भी 0 और डेटा टाइप इंटीजर है। अब जैसे ही मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ तो टेक्स्ट वन में जो वैल्यू रखी हुई है, टेक्स्ट वन में क्या वैल्यू रखी है, 2.5, ये जो वैल्यू है वो ए में चले जाएगी। कैसे जाएगी देखते हैं। हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए स्टेप इनटू ये ऑप्शन होता है। जैसे ही एक लाइन मैंने एग्जीक्यूट की, अब ये येलो वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होनी है, अगले स्टेप में ये बी वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है। ए इक्वल टू वेल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट है, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए ए में क्या वैल्यू आ गई अभी, 2। ए में क्या वैल्यू आई है, 2, जबकि हमने दिया क्या था, 2.5। तो यहाँ पर वॉच विंडो निगरानी करके बता रहा है कि आपने 2.5 दिया जरूर था, लेकिन वहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या गई है, 2। तो अब हमें यह पता चल गया कि ए की वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। वॉच विंडो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा कि जो ए की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। देख रहे होंगे आप यहाँ पर 2 दिखा रहा है, तो इससे ये आपको पता चल रहा है कि वॉच विंडो से हमको पता चला कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसके पॉइंट के बाद की वैल्यू काट दी जा रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो इसका जो डेटा टाइप लिया गया है, आप यहाँ पर डेटा टाइप देख सकते हैं, इसका जो डेटा टाइप है
वो इंटीजर लिया गया है, इसलिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसमें काट दी जा रही है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं पहुँच रही है। आगे देखते हैं, फिर से मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो अगली जो बी की वैल्यू है वो भी 2 आई, और सी की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, और वो आउटपुट आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ है वो देखने को पता चल रही है कि ए में 2 है, बी में 2 है और सी में 4 आ गया है। तो इस तरीके से जब आप इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे और जब प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जो आउटपुट है वो 4 आया। तो यहाँ से हमको देख के पता चल गया कि हमारा जो वैल्यू था 2.5 जो यहाँ पर दिख रहा है वो जाने के बाद 2 हो गया। इसका कारण ये था कि हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया था, अगर हम डबल लेते तो यहाँ 2.5 आता। तो इस तरीके से हम डिबग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, इंटीजर को हम ले लेते हैं डबल, उसी तरीके से दूसरे को भी लेना पड़ेगा क्योंकि फिर होल्ड करने वाले सारे वेरिएबल्स जो हैं डबल होने चाहिए। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा जो अगला इनपुट होगा 2.5, यहाँ दिया हमने 2.3, और जैसे ही रन पे क्लिक किया अब देखते हैं कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 0 है, डेटा टाइप डबल है। वैसे ही बी की वैल्यू 0 है, डेटा टाइप डबल है, सी की वैल्यू 0 है, डेटा टाइप डबल है। अब जैसे ही हम स्टेप इनटू करते हैं, यहाँ पर आप स्टेप इनटू का आपको ऑप्शन दिखेगा, स्टेप इनटू करने पर यहाँ पर स्टेप इनटू जैसे ही किया आपने देखेंगे यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 2.5 हो गई है, आपकी जो ये वैल्यू है ये 2.5 हो गई है। नेक्स्ट हम फिर से स्टेप इनटू करते हैं, फिर से स्टेप इनटू करते हैं और फिर से स्टेप इनटू करते हैं, प्रोसीजर ख़त्म हो गया है, आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 2.5 वाली वैल्यू है वो ए में गई है किस तरीके से, और 2.3 वाली वैल्यू बी में गई है, और सी में 5.75 आया है। तो अभी जो आपका आउटपुट गलत आ रहा था वो सही हो गया, और किसी भी एग्जीक्यूशन को धीरे करके आपने चेक किया कि जो इसकी वैल्यू जो कट रही थी वो क्यों कट रही थी। तो इस तरीके से ये तो छोटा सा फॉर्मूला था, मान लीजिए कोई फॉर्मूला बहुत बड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन इंटू पावर ई टू दी पावर एक्स लॉग एफ एक्स, ऐसा बड़ा सा फॉर्मूला है, उसमें कोई एक वैल्यू में 0.1 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, पूरा का पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेकिन उतने बड़े फॉर्मूला में को पता करना कि कहाँ पे किस वैल्यू में चेंजेस हो रहा है, किस वैल्यू में कौन सा पॉइंट मिसिंग हो रहा है, वो हम वॉच विंडो से कर सकते हैं। वॉच विंडो में सारे वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं और प्रोग्राम को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते हैं और उसको उस पर निगरानी रखते हैं, ये काम होता है वॉच विंडो का। क्लियर है? तो ये था हमारा वॉच विंडो, और ये आईडीई का भी एक कंपोनेंट है और ये एक डिबगिंग टूल भी है, वॉच विंडो को हम डिबगिंग टूल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिबग कर सकते हैं। अगले टॉपिक में या नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि लोकल्स विंडो क्या होता है।